हेलो दोस्तों, आपके शहर में आ रहा हूँ लाइव शो परफॉर्म करने के लिए। कमेंट सेक्शन में चले जाओ, कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट देख लो जो पिंड है, उसमें सब डिटेल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, ये वीडियो थोड़ा अलग है, मैंने कुछ अलग ट्राई किया है इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो देखना एंड तक, तब जाके आपको मजा आएगा। अभी देख लो। हेलो, हेलो, हाय, मेरा नाम आदित्य है और मैं एक टाइम पे 19 साल का था, एक पूरे साल के लिए। लड़कों की लाइफ में बहुत डेंजरस टाइम रहता है, आप बहुत ही डेंजरस, क्योंकि हम खुद के लिए खतरा बन जाते हैं, आजू बाजू वालों के लिए भी। मैं 19 साल का था, मेरे को थे 30 पिंपल्स, लुक लाइक अ चॉकलेट चिप कुकी। लोग घर से बाहर निकलते समय मिरर में देख रहे हैं, मैं हाइड एंड सीक पे देख रहा हूँ, बोला सेम ही दिखता रहेगा, क्या देखना। 30 पिंपल्स और 3 बाल थे, उन्हें मैं प्यार से दाढ़ी बुलाया करता था। ठीक है, मैं 19 साल का था, मेरे को फुल कॉन्फिडेंस, 0 टैलेंट। तो मेरा प्लान था कि मैं रोडीज में चले जाऊं, वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन रोडीज के लिए। मैं रोडीज में जाने का था, लेकिन मैं फिर बोला मैं टकला हो गया, क्योंकि मैं जज बन के जाऊंगा, मेरे को सिर्फ गाली देना है लोगों को बिना वजह के, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। मैं 19 साल का था और मेरे को ऐसा लगता था कि पैसा नंबर 1 चीज है लाइफ में, नंबर 1 चीज, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं पैसे से। आज मैं 28 साल का हूँ, लेकिन दोस्तों सेम लगता है मेरे को आज, वो है तो बाकी भी चीजें हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में मैंने जोर से स्टार्टअप कर दिया। हाँ, तो गाइज आई एम अ कॉमेडियन बट आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ अ कंपनी, ओके, विच डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। मैंने 8 साल पहले कंपनी स्टार्ट की, वो 7 साल 10 महीने पहले बंद। स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन मैंने स्टार्टअप है ना, वो तो मेरे को मिनिमम लगा था कि 4 लोग चाहिए कंपनी स्टार्ट करने के लिए। मैं देख के आया था वो वेब सीरीज टीवीएफ पिक्चर्स, है ना, मेरे को लगा कि मिनिमम 4 लोग चाहिए इसके लिए। तो वैसे डायरेक्टली कॉलेज में दोस्त लोग को बोल नहीं सकते कि अरे सुन सुन, आज हम लोग कंपनी स्टार्ट करने वाले, ठीक है। बोले बोले कि नहीं, आज गोभी मंजूरी खाने का प्लान है। आपको पता है गोभी मंजूरी क्या होता है? गोभी मंचूरियन रहता है वो, लेकिन विद कंसेंट, गोभी का कंसेंट लिया जाता है कि आपको मंचूरियन में डाल। तो हम ऐसा डायरेक्टली बोल नहीं सकते, है ना। तो मैं एग्जाम के एंड तक रुका, मैं बोला इन लोगों को लंच के पे लेके जाएंगे, फिर बताऊंगा इन लोग क्या करना चाहिए अपने लाइफ के साथ, ठीक है। तो उस दिन टेम्परेचर था 40 डिग्री बाहर और 3 बजा था दोपहर को, एसिडिटी एकदम पेट में, ठीक है। तो हमने फिर डिसाइड किया कि चिकन खाने जाएंगे हम लोग ऐसे एसिडिटी में, क्योंकि असली मर्द वही करते, इंटेस्टाइन्स का खात्मा। हम लोग के कॉलेज का अपोजिट एक होटल था, होटल का नाम था होटल रमेश रेस्टोरेंट आनी बार। और होटल रमेश ऐसे लिखा है, बाजू में रणबीर कपूर पेप्सी पी रहा ऐसा फोटो है, रणबीर कपूर है ब्रांड एम्बेसडर उस होटल का, सिर्फ उसको पता नहीं। और एक तो होटल रमेश, जो होटल का नाम आपके बाप का नाम है, होटल सिर्फ वहां पे काम करने वाले लोग के लिए ही है, आपके लिए वो इंटरेस्ट एंड डेंजर जोन। ठीक है, मैं होटल रमेश, हम लोग गए एकदम ऐसा 6 टेबल से और सब चिपक चिपक के एकदम, तो आपको सुनाई दे रहा है कि बाजू वाले टेबल पे जो मर्डर है उसने बॉडी किधर छुपाया है, वही टाइप के लोग आते थे वहाँ पे, मर्डरर्स, किडनैपर्स और भिखारी स्टूडेंट्स, सिर्फ वही लोग आते थे, साइकोपैथ्स लोग, ऐसा वो पता है प्याज पे नींबू निचोड़ के नींबू खाने वाले लोग एकदम। आप लोग उनके आंखें में आके डालोगे ना, वैसा घर तक फॉलो करेगा आपको, फिर आपसे ज्यादा उसको पता आपके बारे में, ऐसा वो सब होता था। हम लोग गए 6 टेबल होटल रमेश में, एक वेटर, वेटर का नाम रंगा, या रंगा वाज एन अल्फा मेल, मेरा आवाज में चेंज नहीं किया, अपने आप हो गया अल्फा का था, काफी अल्फा मेल था वो, ऐसा 4 बटन खुला रखता था और 5 ही था, बहुत अल्फा टाइप का आदमी था वो, ऐसा उसके पास एक कपड़ा रहता था, रेडिश ब्राउन कपड़ा रहता वो लोग का एक, है ना, उससे वो लोग टेबल प्लेट अपना मुंह तीनों पोंछ रहे हैं। एक बार उसने उस कपड़े से प्लेट साफ किया, कपड़ा साफ हो गया, बहुत खराब, लेकिन बंदा से टेस्टोस्टेरोन रेडिएट करता था उस होटल में। एक बार मैं चले गया और वैसा ऑर्डर लेने आ रहा था, मेरा 3 बाल 6 हो गया, मैं बोला कैसा हो, चमत्कारी आदमी है अरे। तो हम लोग को चिकन खाने का था, तो फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया, एक तो मेरा आवाज वो टाइम पे टूटे हुए कांच के जैसा था, रंगा
आपके पास चिकन में क्या है? बोला चिकन चिंगारी और चिकन अंगारा। मैं बोला दोनों चीज आग से रिलेटेड क्यों है? बोलता कल सुबह समझेगा तेरे को। लाड प्यार करने आएगा हम लोग इधर, फिर हम लोग नमक लेके घूमते थे उसके बाद, जिसकी वजह से कभी भूत आता नहीं था हमारे पास, इतना नमक रहता था। तो फिर हम लोग ने चिकन चिंगारी ऑर्डर किया। आप लोग ने खाया चिकन चिंगारी? इसलिए तो जिंदा हूँ आप लोग। चिकन चिंगारी में क्या रहता है, एक प्लेट रहता है स्टील का, ठीक है, उसमें गंदा रहता है, दिखता नहीं हम लोग खुद, गंदा प्लेट रहता है, उसमें बहुत सारा तेल रहता है और बहुत सारा फूड कलरिंग रहता है, और एक पीस चिकन का रहता है, भी इतना मोटा और इतना कच्चा है ना, वो हिल रहा है, बहुत ही गंदा। तो हम लोगों ने चिकन चिंगारी कंज्यूम किया, फिर यू कांट ईट, हैव टू कंज्यूम इट। कलर वलर लग गया, परसों निकला है। बहुत खराब। फिर फाइनली दोस्त लोग ने दारू मंगाया, दारू भी क्या बढ़िया तरीके से मंगाया। बोलते हैं रंगा आपके पास अल्कोहल है क्या? अल्कोहल? हम लोग केमिस्ट्री लैब में अल्कोहल वो लेके भी आएगा किधर से? तो चार से डेटॉल शेप का बॉटल था और उसमें ब्राउन लिक्विड है, और चार ग्लास लेके आया, उसमें अपना हाथ है चारों, इसमें एक एक उंगली। We were tasting a little bit of ranga in every brown liquid. मेरे को भरोसा ही नहीं हुआ। अरे रंगा पहले चक्के दिखाओ। वो बॉटम सब कर लिया। फिर ऐसा कर रहा है, सब कर रहा है, मेरी फट गई भाई। मैं बोला मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को फ्रूटी लेके दो। मैंने फ्रूटी बॉटम सब कर लिया और फिर ऐसा पटक दिया और बोला कि दोस्तों हम लोग कब तक दूसरे की नौकरी करते रहेंगे, सेकंड ईयर में नौकरी है ही नहीं। कब तक दूसरे गुलामी करते रहेंगे हम लोग, हमें खुद का कंपनी स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंस में बोल दिया, वही एक था मेरे पास कॉन्फिडेंस ही था, मैं इतना लोग भी बोल रहे कि हाँ छोड़ देंगे हम लोग, छोड़ देंगे नौकरी। तो तीन लोग थे मेरे साथ, उसमें से दो ने अग्री किया, एक ने डिसअग्री किया। जो मतलब डिसअग्री किया उसका नाम था अवधेश, आई टेल यू मोर अबाउट हिम। वो चीचा टाइप का आदमी था, मतलब वो 19 ईयर्स का था लेकिन ही लुक्ड 65 एंड बिहेव्ड 76। पता नहीं किसको क्यों ऐसा हो, दिखता था बहुत बुढ़ा दिखता था। वैसे मेट्रो में जा रहा है, लोग उठ रहे कि अरे आप बैठिए, जाके बैठ रहा है वहाँ पे। वो कॉलेज में तो लोग पैर वैर पड़ रहे कि अरे यार, वो बोलते हैं कि पूतो फॉलो है। मैं बोला शादी किधर हुआ इसका, कुछ भी बोल रहा था वो कॉलेज में था। तो हम लोग लगता कि हम लोग मैं हूँ ना मैं है। वो अकेला ही ओल्ड दिखता था। बोलते हैं कि अरे ये जो स्टार्टअप वाटअप जो है, मैं बोला ये राइम करने का जरूरत ही नहीं था, कुछ जरूरत नहीं। एक तो पहले तुम दिमाग खराब कर रहे हो। बोला स्टार्टअप वाटअप जो है ये आजकल का फैशन है, ये सब छोड़ो सरकारी नौकरी देख लो बेटा। मैं बोला बेटा अभी एक घंटे पहले पूरा एग्जाम छापा था यार इसने, बाप रे मेरा दिमाग खराब हो गया। ठीक है वो टाइम पे सब बिल भी आया था, जस्ट बिल स्क्वायर रोवाटी में आया था, स्क्वायर बाउल रहता है ठीक है वो, ओके नीचे बिल था उसके ऊपर ऐसा कलरफुल सॉफ था। वो देख के अवधेश बोलता है कि अरे LGBTQ सॉफ। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं उसको फेंक दिया उसके मुंह पे वाटी, कॉमा आ गया उसको इधर। गलत है फिजिकल वायलेंस, लेकिन वो भी तो इंसान गलत है। बोला निकल जाए ऐसे दिखना हुआ तो वापस चले जाओ वापस अपने ओल्ड एज होम में। उसके माँ बाप ने रख दिया उसको, उसके घर पे रिवर्स बागबान चालू है। मैं बोला मत दिखना, दिखना मत ऑफिस, लेकिन दिखता था वो और भगवान ओमनी प्रेजेंट दिखते रहता था। लेकिन दो लोगों ने अग्री किया, बनाना चाहिए कंपनी बराबर। एक बंदा था मयूर, एक अमर, ठीक है। मयूर वॉज अ वेरी गुड टेक गाय, टेक में हो आप लोग कोई आईटी में, ठीक है इसलिए आप लोग जिंदा हो। फिर एक बार वॉज अ गुड टेक गाय, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब आता था, ठीक है, C++, पाइथन, जावा, एनाकोंडा, गोवा सब सीख के आ गया था वो। मैं बोला मस्त है, लेकिन बंदा सब थोड़ा कंस्पिरेसी थियोरिस्ट टाइप का था। कुछ कुछ लोग पता है ऐसा कुछ भी दिमाग में आते रहता है वो लोग के। मेरे को एक बार पता क्या बोलता है, आप लोग ऋतिक रोशन का फर्स्ट मूवी देखा कहो ना प्यार है, उसमें फर्स्ट हाफ में वो मानकुर ब्रिज से जंप करके कूद मर जाता है ना, और फिर न्यूजीलैंड में अलग चले जाते हैं। बोलते हैं एक्चुअली मरता नहीं है वो, मानकुर ब्रिज से स्विमिंग कर करके न्यूजीलैंड पहुंचा है,
और वहां पे अपना नया जिंदगी उसने चालू किया। मैं बोला मस्त है, काम भी करेगा, टाइम पास भी हो जाएगा। मैं बोला मस्त है, दो धारी तलवार है, इसको हायर करना चाहिए। तो उसको हायर किया, दूसरे बंदा को हायर किया, उसका नाम था अमर, ठीक है, लेकिन जल्दी मर गया वो थोड़ा। अरे नहीं है जो कि आप लोग ऐसा मत करो, क्लक 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 वो सब आप डक्स हो के आप लोग ऐसा। हाँ गॉड अमर, क्योंकि उसका तबियत खराब रहता, तो बिकॉज ही वॉज एन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट ऑफ चाय और सुट्टा। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे था, किसी ने कुछ खाते हुए देखा नहीं था उसको कभी भी। इतना चाय पीता था ना उसको, इधर दाढ़ी पीता था, लोग उसको वहां पर भी बुला देते। बहुत खराब, आप अगर ज्यादा चाय पियो ना आपको, आपके अंदर क्या होता है पता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, आपका स्किन रफ होता है। उसका स्किन रफ होता था और टपरी पे जाता था, लोग यहाँ से माचिस जला रहे। बहुत खराब सीन था, आप ऐसा मत करो, चाय कम करो। सिगरेट भी पीता था, पतला हो गया, एकदम पतला हो गया था, दरवाजे के नीचे से चला जाता था। अमर और चुचुंदर ये दो लोग कर पा रहे, बहुत गंदा सीन था, तो पतला हो गया था, चाय सब सिगरेट विगरेट फूक के। लेकिन कभी कभी डाइट पे चीट करता था विद गुटका, तो गुटका कस के चबाता था, जॉलाइन शार्प हो गया था एकदम उसका। एक प्रोफेसर ने एक बार थप्पड़ मारा, उसका भी दो ही फिंगर थे सिर्फ। आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हो ना, करना भी नहीं चाहिए। बहुत खराब सीन था उसका। लेकिन आप लोग सोचोगे कि इसको फिर हायर करने का क्या रीजन है, देखो मेरा जीनियस दिमाग था वो टाइम पे, मैं बोला जिस इंसान का खाने का खर्चा नहीं है उसको सैलरी क्यों देने का। उसको थोड़ा चाय दे देंगे, बिस्किट दे देंगे, इट इज लाइक हायरिंग अ डॉग। मैं बोला इसको लेते, ये करेगा कुछ ना कुछ काम, सीख लेगा ये। नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए कि आप डिसाइड करो कौन सा कंपनी स्टार्ट करोगे, है ना। लेकिन मैं बोला अभी मैं किताब पढ़ूंगा और मैं सीखूंगा। फिर मैं स्टीव जॉब्स का किताब पढ़ने लग गया। आपको पता है स्टीव जॉब्स जो 1.5 लाख का सेब बेचता है, वो भी खाया हुआ है ना। स्टीव जॉब्स का किताब पढ़ा, सीखने को बहुत कुछ था, लेकिन मैं एक चीज़ सीखा कि बंदा एक्सेंट्रिक था, कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल रहा है, तो मैं भी फिर कभी भी किसी को भी कुछ भी बोलना चालू कर दिया। कॉलेज में लोग घूम रहे, मैं पकड़ रहा हूँ, अरे सुन एक दिन तू मेरी कंपनी में काम करेगा, ठीक है। वो बोल रहा है मैं प्रिंसिपल है एक्चुअली। एटलीस्ट अभी डिसाइड करना चाहिए ना क्या कंपनी है। बोला नहीं अभी हम लोग पहले ऑफिस देखेंगे। ऑफिस देखने चले गए, पता हम लोग एक कॉर्पोरेट बड़ा पार्क था, 10th फ्लोर उसका पूरा फ्लोर चाहिए था मेरे को, 25 लाख रेंट था, 10 साल का नहीं 1 महीने का, चार ही लोग काम करने के, पूरा फ्लोर चाहिए मेरे को। तो हम लोग चले गए अपने लैंडलॉर्ड का ऑफिस में, बाहर सिक्योरिटी गार्ड था, चाय पी रहा था, तो देख के अमर के मुँह में पानी आ गया। मैं बोला बाद में करते हैं सब, तो मैं अंदर नॉक करने वाला दरवाजा, अमर नीचे चले गया अंदर। फिर मैं चले गया और मैंने पाव रख दिया डेस्क पे, वो खड़े रह गए। मैं बोला इतना रिस्पेक्ट अभी से आप मत दीजिए, तो निकलो निकलो इधर से निकलो। 3 बार चुटकी मारा उसने, 2 बार बजाई नहीं। बोला निकलो इधर से, सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी, चाय रख के अंदर आया, बाहर जाके अमर चाय छुरा दिया। जो दिमाग खराब, मैं बोला मयूर किधर है, मयूर अंदर आ रहा है, सिक्योरिटी मेरे को उठा रहा है, मयूर गायब हो गया, मयूर बाहर जाके यहाँ से माचिस जला है और उससे बात कर रहा है, बोलता है तेरे को मालूम है मुंबई में जितना भी खड्डा है रोड पे कौन बना था रात को आके, मालूम है तेरे को, ऑर्थोपेडिक सर्जन लोग बनाते, ताकि हमारा पीठ खराब हो मुन्नी के पास चले जाओ, मालूम है तेरे को। क्या पागल लोग यार। मैं बोला अभी फाइनली डिसाइड करते हैं क्या करना है। तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग हैंडीमैन सर्विसेज करेंगे, मतलब प्लम्बर कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन जो आपको घर पे बुलाने का बुला सकते हैं। अर्बन क्लब पता है आपको, हमसे छापा है वो लोग। हाँ ये वीडियो पे जा रहा है, प्रूफ है, जब इनका एक्सपोज ही होने वाला है। मैं बोला होटल रमेश में बाजू में बैठे थे वो लोग, सुन लिया वो लोग पूरा। पक्के रहना टेबल, टेबल से पक्के रहने का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। खेल रहे ठीक है। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग हायर करेंगे इलेक्ट्रिशियंस को, हम लोग चले गए हायर करने के लिए। हम लोग होटल रमेश के ग्राहक हायर कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रिशियन के पास गए, वो वेल्डिंग कर रहा था, तो हमने बोला हमारे साथ काम करो कि हम उनको दिखा रहा हो। तो पूछता क्या डील है। मैं बोला देखो आप जितना भी काम करोगे ना उसका आपको 5% मिलेगा।
तो थोड़ा गुस्से में देखा वो 2 सेकंड के लिए, फिर उसने वेल्डिंग वो नीचे रख दिया और पीछे से कार्ड निकालते कि बोले ये देखो मेरा भांजा है टीसीएस में एचआर है, आप थर्ड ईयर में है ना, आपका हो जाएगा ना, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आपके माँ बाप के लिए मेरे को बुरा लग रहा है बोलते। मैं बोला छोटे लोग छोटी सोच, ये चल रहा टाइम पास चलते जा रहा है ठीक है। फिर प्लेसमेंट्स आ गया कॉलेज में, प्लेसमेंट्स पता है आप लोग को? यस। बड़ा बड़ा कंपनी आके बोलता मजदूर लोग चाहिए। तो प्लेसमेंट आ रहा है और ऐसा ऐसा लोग प्लेस हो रहे प्लेसमेंट्स में। कौशिक नाम का लड़का था, हमेशा कोई लड़की उसके पीछे चप्पल से भागती थी, चप्पल लेके भागती उसके पीछे हमेशा, अरे कौशिक काय करतो काय, हमेशा भागती थी क्योंकि ये दूसरा चप्पल लेके भागता था। और ऐसे लोग प्लेस हो रहे कौशिक जैसे लोग 3.5 लाख पर एनम पे प्लेस हो रहे। मैं बोला क्या करने का, क्या फिर लेने का है? नहीं मैं ऐसा अपना टर्टल नेक बन के बैठा हूँ 40 डिग्री में, क्या करने का। तो फिर फाइनली उस दिन है ना एक कंपनी आई, उसका नाम था दूरदर्शन और उसमें अवधेश का हो गया। लोगों ने कुछ नहीं, सिर्फ उसका बाल का कलर देखा, लोग बोले कि ये आप आओगे, बोले कि हाँ, उसके इंटरव्यू भी नहीं हुआ, सिर्फ उसमें बोला एज रिक्वायरमेंट क्वालिफाई हो रहा है, उसको ले लिया। और उसको हम लोग बाहर आए अवधेश रूम से, हमको ऑफर लेटर दिखा रहा है, ऑफर लेटर पता है आप लोग, उसमें लिखा रहता है कि आप हायर हो गए, उसमें उसको सैलरी लिखा है, नीचे पेंशन भी लिखा है उसका। हमको दिखा था अवधेश, देख मैं बोला था वो सब फैशन, हाँ मैं बोला ठीक है। फिर उसने फाड़ दिया ऑफर लेटर में, बोला बुड्ढा सटिया गया है, मैं बोला आज का दवाई नहीं लिया ना तुम, नौटी दादाजी, नौटी दादाजी। फाड़ के मेरे पैरों में फेंक दिया। मैं बोला क्या हो गया, बोलते ये सब जाने दे, मैं खुद का कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं बोला क्या स्किल सेट है तेरे पास, मतलब मेरे पास भी नहीं था। मैं बोला तू विंडोज 95 का बंदा, तो क्या करने का, बोलता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ दो हैदराबाद IIT हैदराबाद के 2 लोग हैं, हम लोग मिलके कंपनी स्टार्ट किया है। मैं बोला क्या बात कर रहा है ये, मेरे को जो करना है वो यही कर रहा है, मेरी जल गई और बारिश आ रहा था, सो सावन में लग गई आग। तो मैं बोला क्या कंपनी है, बोलता है हम लोग एज रिवर्सल टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। मैं बोला क्या, बोलता एज को रिवर्स करते, देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुछ, तो दिस इज साइंस फिक्शन नाउ बी रेडी। मैं बोला तू क्या करेगा इसमें, बोलते एक्सपेरिमेंट मेरे पे होने वाला, मेरे ऊपर होने वाला एक्सपेरिमेंट। मैं बोला दिखना मत अभी बिल्कुल भी, गलती से भी मेरे को बहुत जलन हो रहा है, बिल्कुल दिखाई मत देना, लेकिन दिखता था वो और भगवान उन्हें प्रेजेंट दिखते रहता था, कॉरिडोर में दिखता था कभी भी जाते जाते। मैं ऐसे देख रहा हूँ, 1 हफ्ते में उसका बाल ब्लैक हो गया, 2 हफ्ते में बाल और आ रहा है, 3 हफ्ते में मसल वसल आ रहा है, 4 हफ्ते में से ये लुक लाइक सिद्धार्थ मल्होत्रा फ्रॉम स्टूडेंट ऑफ द ईयर। वो जा रहे हैं कॉरिडोर में, लड़की लोग गा रहे हैं मन्ना कुकड़ी कमाल, कॉमा है लेकिन लड़की लोग कॉमा इधर बना रहे, उसको दिखा रहे कि अरे हमारे साथ भी बना दो फुल स्टॉप ऐसा। 4th ईयर में बंदा ड्रॉप आउट कर लिया और उसको अवार्ड मिला कि यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। मैं बोला यंग वर्ड का इतना गलत इस्तेमाल, वो इससे सीखे। वो चले गया फिर US में, वो लोग चले गए सब लोग ठीक है। अभी कट टू रीयूनियन आप लोगों को पता है ना, लाइव लिंक्डइन। अरे जरिए तू किधर काम कर रहा है, अच्छा अच्छा ये कंपनी है क्या, ओपनिंग है तो मेरे को बता दे, मेरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, अरे गंदा कंपनी है, लेकिन तेरे इसमें रहेगा तो तू मेरे को बता दे। यही सब चालू था, तो उसमें मैं और मयूर, अमर और मयूर हम लोग थे, वो तो चले गया था ठीक है अवधेश वहाँ पर। तो अमर मेरे को बोला चलो चाय पीने जाते हैं, बोला अरे सरप्राइज यार, ऐसा कैसा तू बोल रहा है चाय पीने जाएंगे, ओ माय गॉड यार व्हाट अ सरप्राइज। हम लोग चले गए वापस होटल रमेश में। अपने सेफ्टी के लिए अभी इस बार मैंने जोमैटो रेटिंग चेक किया, -2.5। बहुत गंदा सीन हो गया था। हम लोग अंदर गए और उसने 6 चाय मंगाया पता है, 5 खुद के लिए, आधा मेरे और मयूर के लिए। हम लोग फूक मार रहे उसका 3 खत्म हो गया। क्या पागलपन चालू है ये, हम लोग चाय पी रहे ऐसी बात कर रहे थे, छोटा बच्चा के सब पैंट वैंट खींच रहा है। बोला रंगा आप बबच्चे लोग को हायर कर रहे हैं, बोलते हैं नहीं रे 10 साल का लग रहा है, हम लोग 8 साल पे खत्म करते। क्या क्या कैसा होटल है, ये लोग बंद कैसा नहीं हुआ अभी तक, तो पैर खींच रहा है। मैं बोला क्या तेरा माँ बाप किधर है, बोलते अरे है ही नहीं, बोलते
बोला क्या हो गया, मैं फिर ध्यान से देखा उसके यहाँ पे कॉमा था। बोला तेरा नाम क्या? बोलता है मैं अवधेश। बोला ये क्या हो गया? बोलता है मेरे शक्तियों गलत इस्तेमाल हुआ। They say that I'm the future, but I need that shit now. Sabar mere budget mein nahi, abhi sab dilao.